कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह द्वारा आज स्थानीय काफी हाउस में रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसका लोकार्पण 30 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना तय हुआ है को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार झूठों की सरकार है। रीवा में बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भाजपा अपना बता रही है, जबकि इसे यूपी सरकार द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, किंतु आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने इसे अपना नाम दे दिया। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। मैं कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये किसकी देन है और किसकी वजह से आज इतने बड़े हॉस्पिटल का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, उन्होंने ये कहा था कि ये सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की थी, और इसमें जो भी ईंटें लगी हैं वो बीजेपी सरकार की तरफ से ईंटें लगी हैं, इसमें कांग्रेस और किसी अन्य दल का कोई योगदान नहीं। मैं कुछ साक्ष्य चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाने में नींव की ईंट यदि किसी ने रखी है तो किसने रखी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रमाण के साथ इस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ। 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब हमारे अर्थशास्त्री और यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश की कमान संभालते थे, उन्हीं की कैबिनेट में श्री गुलाब नबी आजाद जी स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे। उन्होंने 2013 के टाइम दिसंबर में हमारे यहाँ के सांसद बीएसपी पार्टी से जो आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं श्री देवराज पटेल जी वहाँ पे उपस्थित, यानी वो थे उस टाइम के सांसद। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुलाब नबी आज़ाद जी जब स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने 150 करोड़ रुपए ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रीवा में बनकर तैयार हो गया उसके लिए सेंसन करने का काम, उसके लिए उन्नयन करने का काम हमारे नेता गुलाब नबी आज़ाद जी जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे उन्होंने किया। ये आप लोगों को सबको एक एक कॉपी मिलेगी। ये गुलाब नबी आज़ाद जी का लेटर है जो कि यहाँ के सांसद जी को लिखा गया था। इस लेटर में उन्होंने इस चीज़ों का, सारी चीज़ों का जो मैंने कहा है उस चीज़ों का विवरण है। मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को आ रहे हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि ये सवाल आप उनसे जरूर पूछिएगा कि ये किसकी देन है और किसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी इमारत यहाँ पे खड़ी हुई है। लास्ट चीज़ मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस झूठ को हम जन जन के पास जाएंगे और इसको बेनकाब करने का काम करेंगे। हम सब कांग्रेस के लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को हम लोग बनियान पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन स्वामी विवेकानंद पार्क से लेकर कमिश्नरी के पास पहुंचेंगे और कमिश्नरी में हम ज्ञापन देंगे।